अस्सलाम वालेकुम भैया का ट्रेलर आज मैं एक्शन डे नहीं हूँ ए वेस्ट फोर्ट के ऑफिशियल ट्रेलर पर। इसमें जो मेन एक्टर्स काम कर रहे हैं रितेश देशमुख, फरदीन खान एज मेन एक्टर्स काम कर रहे हैं। ये मूवी 6 सितंबर जियो सिनेमा प्रीमियम पर रिलीज होने वाली है। टाइम इज गिवन द टाइम टू 3 2 1 स्टार्ट। आ गया तू आमी वाइफ वेक अप बडी Full time. Two different words. यार प्लीज तुम हैंडल करो, मेरी फ्लाइट है। तुम सुन रहे? Two different lives. नींद नहीं आ रही। मेरे प्रोजेक्ट में लाइन था, वो नहीं है। ताड़ा। ताड़ा हो गया। और मानिया। तुम लोग को सुनने में नहीं आता क्या? आई से गेट आउट। चलिए मेरे साथ। आपको फोन करने वाली थी। मेरा माल कोई खा जाता है, तुमने उसे इसी से नहीं लाती है। दो करोड़ ये डोमरी है, लोग इसको कितना भी छोड़ना चाहे ये छोड़ने नहीं देती। बच्चे को लेके आएंगे हम लोग, सीधा या घुस के। जो सिनेमा प्रीमियम तो फाइनली बहुत अच्छा इसका ट्रेलर था। न्यू मूवी आ रही है विस्फोट, न्यू मूवी आ रही है विस्फोट। बहुत इसका अच्छा मतलब कि मैंने देखा है, इसके ग्राफिक्स बहुत कमाल के, स्टोरी बहुत कमाल की है। ये चीज दिखाई हुई है कि टू मतलब के कंट्रीज है, टू प्लेसेस है, सेम टाइम टेबल चल रहा है, वहां पे क्या मामला हो रहे हैं क्या नहीं, कोई एक मूवमेंट आती है जो उनकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देती है। थोड़ी सी दिखाई है कि रितेश देशमुख जो होते हैं वो एज अ कैप्टन दिखाया गया हुआ है, तो ए लाइन के अंदर कैप्टन दिखाया हुआ है। दूसरा देखा जाए तो फरदीन खान एज अ टैक्सी ड्राइवर दिखाया हुआ है, मतलब काम तो उनका तकरीबन 6 महीने, एक जहाज उड़ाता है और एक टैक्सी चलाता है। तो उसकी टैक्सी में एक मतलब कि अननोन पर्सन आके बैठता है जो ड्रग्स से काम कर रहा था, जो पीछे पुलिस लगनी वैसे उसका भी मतलब के बन जाता है मसला, जो कहता है कि तुम ड्रग्स संभाल के रखना, मैं कल तुम्हारे घर से आकर ले जाऊंगा। तो ये सब जब ड्रग्स अपने घर से लेके जाता है, उसको वो देखता है कि नीतीश देशमुख की जो सी बीवी होती है और जा जाती है, अपना बच्चा छोड़े अपनी बीवी के पीछे जाता है, पीछे देखता है कि फरदीन खान उसके बेटे को उठा कर ले जाता है। ड्राइव नहीं करता है लेकिन वो एज सिक्योरिटी के तौर पर उसके बच्चे को देखे अपनी मतलब की बीवी की जान छुड़वाना चाह रहा था, लेकिन वहां पे मामला तो कुछ और खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब के रितेश देशमुख से 2 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं, वो अपने बच्चे को लेके जाने के लिए 2 करोड़ रुपए की डिमांड करें दे। लेकिन अरुण लाश ने भी दिखाया है कि पुलिस वाले कहते हैं हम जैसे मर्जी तुम्हारा बेटा लेके आएंगे, बेशक हमें मारना पड़े घुसना पड़े, जैसे मर्जी लेके आएंगे। बहुत ही मजे मुझे लगने वाली इस स्टोरी, काफी यूनिक स्टोरी लग रही है। और सबसे बड़ी बात, फरदीन खान ने बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद ये दूसरी मूवीज के अंदर अपनी कमबैक किया है। सबसे पहले जो मैंने हीरा मंडी सीजन बनाया था नेटफ्लिक्स के अंदर,
उसके अंदर उन्होंने एज अ बड़े बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद उन्होंने ये मूवी के अंदर अपना कैरेक्टर काफी देर बाद कम बैक किया। देखते हैं तो दीन खान के लिए मूवी ये कैरेक्टर किस तरह से उनके साबित करता है, उनके फ्यूचर पे डिपेंड करता है या नहीं करता। रही और दूसरी तरफ बात करें अगर हम इसकी रितेश देशमुख की, तो इंडिया के बहुत ही फेमस जो से है वो एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है, ये दोनों मियां बीवी जो से है वो एज अ एक्ट्रेस के तौर पर मूवी के अंदर काम करते हैं। मणि भाई देखे तो रितेश ने बहुत ज्यादा टाइम के बाद कम बैक किया है। रितेश ने भी काफी देर बाद, क्योंकि इनकी जो मूवी थी ना पहले जो से फनी अजय कुमार के साथ, बट आई थिंक हाउसफुल वन और फोर मूवीज के बाद उन्होंने इस मूवी के अंदर कम बैक किया। तो बहुत ही मजे की स्टोरी है, आप लोग इसको लाजम देखना है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 सितंबर को जियो सेवन पे दिखाई जा रही है। तो 6 सितंबर ये आज 2 सितंबर हो गई है, आज से 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन मूवी रिलीज हो रही है। आप लोगों ने जियो सेवन पे इसको लाजम देखना है, बहुत मजे की ये मूवी होगी। आप लोगों ने कमेंट करके लाजम बताना कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी है, किस तरह की आप मूवी लगी है। आप अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड या कुछ और मूवीज के अंदर भी आप रिएक्शन वगैरह बताना चाह रहे हो तो आप कमेंट करके लाजम बता सकते हैं, आपकी डिमांड के मुताबिक उसको लाजमी इस पर रिएक्शन करेंगे। और अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऑफिशियल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।